ये भारी भीड़ भर क्यों है, कोलाहल अभी अभी क्या था, वीरों में छेद छर क्यों है। महाराज पुत्री का स्वयंवर रचा है, पुत्री का सहार अटल रहे। महाराज सुख का स्तंभ कभी दुख का कारण बन जाता है, मीठी मीठी बातों से हितोपा पिंजरे में आता है, जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, मीठा गन्ने को देखा तो लू में फैला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और जगाया है, सबसे पहले के बोल उठे इसलिए चोट आ रहा है। अच्छा अपराधी हमें सही, हमें जहर में जोड़ा है, अरे जो कुछ करना है तो करे, अब सिंधनुष हमने तोड़ा है, बचपन में अगर भी तोड़ी तो लड़क लहर से आए, इतलवा में के लाल जड़े जो स्वामी को लेकर माए, निकाल रहा है तू श्री महादेव का महाधनुष, अत्यंत विद्युत है अनुपम है, ऐसे वचन को दंड वाला छोटी छोटी लंबी सब है। प्रभु उत्तम कुल के ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है ब्राह्मण का दूषित क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है, ये कहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रन में अपराध क्षमा और पूजे पर चाहिए शांति ब्राह्मण हो। बोला क्या हुआ तुझे, जो बहुत कांपता जाता है न्योतारी ब्रह्म समझ लिया तो मुझे कांपता जाता है, मुझको तो सीधा ब्रह्म न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, विगुंशी बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूँ, निर्वाही हूँ, मेरे इस खूनी पसे ने सावत की नदी बहा दी है, इस आर्य भूमि ने 21 बार शतराणी राज बना दी है, विख्यात शहर सवाल तक के कुछ दंड काटने वाला है, इस पसे को तू भी बोला जो राहु चाटने वाला है, बस इसी एक ही पसे से सूरों का पंक्ति द्वार खुला, हल्दी की एक डांस के ही पसंदे का बाजार खुला, अब दीत चुकी सकी बहार, सस्तर आपका खिया में है, पसे में वो काट रही तो काट अपनी जुआ पे है, तो बूढ़ा पसा दिखाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, बनहरी खूब से
अंधकार लाएगा बरसा, कर देगा दांत अभी खट्टे, रसात चखाएगा बरसा। तो बच्चा है, बच्चा ही रहे, क्यों मेरे कसे बच्चा है कि मुझ जैसे क्रोधी किया गया, किसलिए लड़कपन करता है। श्री महाराज हम लड़के हैं, इसलिए लड़कपन करते हैं, शोभत है नहीं मेरे को यह, जो बच्चों के मुंह लगते हैं, मेरे मुख में वे दांत नहीं जो तुलसी से आते, डरता हूं आप ही अपनी से कहीं और हुआ ना आ जाए। भगवान भगवान बच्चों की बातों में अब उचित उचित ना रहता है, ये तो है गंगा का बहाव, जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते तो सैलता में लाते भी, वीरों का वेश देख कर तो इसने की इतनी बातें भी, जो दंड आप देना चाहे उसका अपराधी तो मैं ही हूँ, ये सब प्रकार से निर्दोष है, सच्चा अपराधी तो मैं ही, अपराधी तो महाराजा है जो सब निकालने आए हैं, भाई जब नहीं बुला चुके तो घी निकालने आए हैं, जय धनुष अनेकों वर्षों से मिथिला पति के नाम पड़ा हुआ, जब उनके ही अधीन था तो अधिकार उन्हीं का पड़ा हुआ, जो अधिकारी था उसने ही अपने आगे तुड़वा डाला, अब कहिए आप कौन होते हैं जो करते इतना गड़बड़ गाना, क्या मरे डर उसको महाराज जी भर का रोने आए हैं, प्रत्येक क्षत्रियो का समाज तुम्हें सर होने आए हैं, जो पितु का दिन से अरिन हुआ, जो माता का मिल जाता है, गुरु इनके कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है, इस कारण उस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं, अपने इस खूनी पसे से तेरा संहार करूंगा मैं। पर साथ दिखला कर बार बार क्या मुझे निराले आए हैं, क्या कान आपका पहल है जो उसे साथ में लाए हैं, मैं शूर नहीं कहलाते हैं जो अपना आप काम करे, मैं काम नहीं कर सकते हैं जो पत्तों का अपमान करे, यह लोहा तुम्हें मुबारक हो जिसने घर का नौ जाता, बनिहारी मैं हाथों के जिसने माता का सर काटा, तू छोटा है पर बड़ा ठीक है खोटा है, सोने के लोटे में है जो दूध मिलाकर घोटा है, शंकर के कर को दंड खंड बरसात की बड़ी हवेली भी कुछ घंटों में गिर जाती है, मंदिर में आगू पी जाती ठंडक में देर लगती है, इसलिए कर्म को करते हैं जो मंदिर करने वाले हैं, अभिमान करें किस पद पर हम जब खंडन करने वाले हैं, हाथी के निकले हुए तब देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईख चबाता है वे तो छोटे ही छोटे हैं, रनिवासों के पाले वाले जब रन के पाले पड़ते हैं उस समय सिंह भी सम्मुखों तो कुश्ती से लड़ते हैं, बेकार पूछाओ पर मेरी जो इसको नहीं संहार किया है, व्यर्थ कुल्हाड़ा ले मेरा जो इसको नहीं प्रहार किया है, नहीं प्रश्न बाल वध का जब बालक स्वयं नचता है, मत देना दोष कोई वध को, अब पसा इस पर चलता है, शांति कीजिए, ये बालक है और क्षमा करने योग्य है। मुनिवर आपके आग्रह से इसे छोड़ देता हूं, अब तक जितना क्रोध किया उसको वापस लौटा लेता हूं, देखो देखो तनिक उसका देखो, वो भी तो मुस्काना है उसका रह रहकर फिर बिजलियां मुझ पर गिराता है, मुझको ही सम समझाते हैं, नहीं चुप कराते हैं उसको, मेरी आंखों की आगे से नहीं दूर हटाते हैं उसको, आंखों से आंखें डरती हो तो आगे मूंद चले जाओ, छाती अत्यंत धड़कती हो तो उस पर हाथ मले जाओ, तब बिन बुलाए आए थे अब फिर कहे जा सकते हो, अनुराग धनुष खंडों से हो तो इनको ले जा सकते हो, संताप घर टूटने का ही हो तो कारी से चुड़वा लो, हाँ यदि छेद छाड़ी बाती है तो और नकार चुड़ा डालो, अपने दासों का लहू पिए
मुझे क्यों पाव ना आगे बढ़ता है, परसा पहाड़ सा आज हुआ जो नहीं उठाए उठता है। देखना संभालना सावधान, प्रतिमा बनकर मत रह जाना, कहीं ऐसा ना हो प्रभु का मंदिर हो इसी जगह बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं, हे देव यदि स्वीकार करो तो हार भेंट कर सकते हैं। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू तो मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। ये तो है कलम नरम है ये, क्या कटु नीति है दोनों की, यो विश्वामित्र देखते हो चतुराई अपने चलो। वाक युद्ध अब हो चुका, दान युद्ध अब ठान, राम होगा तुझे फिर बस राम का ज्ञान। मैं बस राम कहलाता हूं, तू भी तो राम कहलाता है, मेरा नाम छीना था मुझ पर ही धाक चुका है। दो राम नहीं रह सकते हैं, इसलिए कर संग्राम भी, अन्यथा जगत को मत भड़का देते हो राम का नाम भी। चिड़ो यदि राम नाम से तो पंडित बन दिखलाइएगा, मुनिराज बन माला में से ये अक्षर निकलवाइएगा। बलिहारी खिजावर तो देखो, कहते हैं राम नाम क्यों है, जो नाम एक ब्राह्मण का है क्षत्रिय का है नाम क्यों है। भृगुनाथ आप में और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है, मस्तक पर तो है परशुराम पर राम नाम चरणों पर है। मैं राम आप है परशुराम, कहीं ये तो किसका नाम बड़ा, वही तो बड़ा कहलाता है होता है जिसका नाम बड़ा। इसलिए ना परसा दिखलाइए, इससे हम कभी ना डरते हैं, हाँ एक शस्त्र ध्वज पर है जिसका आदर हम करते हैं। हे राम यदि आप अवतारी हैं तो इस कमान का चिल्ला चढ़ाए लाइए मुनिवर। चिल्ला चढ़ाया राम ने उस पार हो गया, भर के संसार में राम अवतार हो गया।